हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मजे में, मस्ती में? तो चलिए, आप लोगों को जैसा कि हम बताए हुए थे कि नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का होगा रीजनिंग टेस्ट सीरीज में, होगा टेस्ट नंबर 6। तो चलिए, आज जो हम आपके लिए लेकर के आए रीजनिंग टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 6, और हम लोग आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो पीडीएफ मिला होगा, आप लोग पीडीएफ से सारा क्वेश्चन बना ही लिए होंगे। देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा हम कलम शिफ्ट कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। और आज वाला जो टेस्ट है बाबू, यह ग्रुप डी टेस्ट है। ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया, डेट मुझे याद नहीं है, डेट हमने आज लिख करके लाया ही नहीं, मुझे डेट याद ही नहीं है। लेकिन यह जो है ग्रुप डी 2018 का यह क्वेश्चन है प्रीवियस सेट में से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या, एल एस जेड जी एन और उसके बाद दिया हुआ हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? एल होता है बाबू कितने नंबर पर, तो 12 नंबर पर, और एस होता है 19, जेड होता है 26, जी होता है 7, एन होता है 14। आप देख रहे हैं सब में प्लस 7 किया जा रहा है, सब में क्या किया जा रहा है, प्लस 7 किया जा रहा है, यानी कि 12 प्लस 7 कर दिए तो हो गया 19, 19 प्लस 7 कर दिए 26, 26 में प्लस 7 करेंगे यानी कि जी आ जाएगा, और इसके बाद 7 में प्लस 7 की 14, 14 में प्लस 7 कर देंगे हो जाएगा बाबू 21। यानी कि सब में जो है बाबू प्लस 7 किया जा रहा है, सब में क्या किया जा रहा है, प्लस 7 किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपको यू, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बाबू इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बाबू कितना, तो सी ऑप्शन। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? आप लोग कमेंट्स में बोलते रहिए, कमेंट्स में भी चलिए जवाब दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से। लिख रहा है कि मेज है, कछुआ है और फर्नीचर है। मेज है, कछुआ और फर्नीचर है, इसका बाबू डायग्राम बनाना क्या होगा? मेज, कछुआ और फर्नीचर का क्या डायग्राम होगा ये हमको बताना है। तो चलिए, सबसे पहला चीज, कछुआ तो ये गया साइड में, कछुआ तो ये चला जाएगा बाबू कहाँ, साइड में। और मेज और फर्नीचर, मेज जो होता है कुर्सी हुआ, मेज हुआ, बेंच हुआ, टेबल हुआ, ये सारा का सारा तो फर्नीचर आइटम होता है। तो मेज आ जाएगा कहाँ पर, तो फर्नीचर के अंदर, मेज हो जाएगा बाबू फर्नीचर के अंदर। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। क्लियर सबका? सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर, क्वेश्चन 3, देखिए क्या लिख रहा है इसमें। ई आर ई सी टी और टी, और इधर है जी टी जी और ई और भी, ई और उसके बाद भी। इसमें देखिए क्या हुआ है, ई और जी लिखा हुआ है, यानी कि प्लस 2 किया गया, आर और टी प्लस 2 किया गया, ई और जी प्लस 2 किया गया, सी और ई प्लस 2 किया गया, और यहाँ पर भी प्लस 2 किया गया। सभी विकल्प में, सभी लेटर में जो क्या किया गया, प्लस 2 किया गया, 2 ऐड किया गया है, सब में बाबू प्लस 2 किया गया है। यही सिचुएशन आपको यहाँ अपनाना है। एफ फीमेल में एफ है, एफ में प्लस 2 करेंगे तो एच हो जाएगा, तो चलिए एच तो सब में रहा, ठीक है ये। ई में प्लस 2 करेंगे जी होगा, जी सब में है, ये भी ठीक है। एम में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा बाबू ओ, तो यहाँ पर है और इस दोनों में ओ नहीं है, चलिए ये खत्म, ये 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन समाप्त हो गया। ई ए है, ए में प्लस 2 करेंगे तो सी होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर, और ऑप्शन 1 नंबर भी गलत। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर बाबू है 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, चलिए इसको ध्यान से देखें। श्रीमान दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा के उन्मुख है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिख दिया हमने। क्या लिख रहा है,
दक्षिण की ओर उन्मुख है, ये लीजिए साउथ में वो है, वह पहले 90 डिग्री कहां गया दक्षिणावर्त में, द से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर 180 डिग्री वामावर्त यानी कि ब से वामावर्त कितना 180 डिग्री, ये हो गया। अपोजिट डायरेक्शन को बाबू क्या करते हैं तो घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं तो घटाते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री को एक दूसरे से घटाते हैं, हमने घटा दिया, ये घटाया और यहाँ पर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आ गया कितना, वामावर्त दिशा में आ गया कितना तो 90 डिग्री। अब यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज, पूरब दिशा, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर यह हो जाएगा किस दिशा में, पूरब दिशा में, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन एक नंबर, पूरब दिशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके पास है, देखिए क्या लिख रहा है इसमें, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। कैरम खेलने के लिए क्या, कैरम खेलने में बाबू एक आदमी इधर बैठेगा तो दूसरा उसके अपोजिट में इधर बैठेगा, अगर एक इधर बैठता है तो एक इधर बैठेगा अपोजिट में, यही ना होगा, ये और ये एक दूसरे से कैरम खेल रहा है यानी कि सामने में बैठा हुआ एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मुंह पूरब है इसका मुंह पश्चिम है, इस प्रकार से बैठता है। तो प्रश्न में क्या लिख रहा है, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा की ओर होगा, ये आपको बताना है। प्रकाश का मुंह है किधर, प्रकाश का चेहरा है किधर, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो उसका प्रतियोगी यानी कि उसके अपोजिट में जो बैठा हुआ सुंदर उसका चेहरा किधर होगा, तो प्रकाश के जस्ट अपोजिट में यानी कि दक्षिण पूर्व के अपोजिट में, दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाता है उत्तर, दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा उत्तर, और पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा तो पश्चिम, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नंबर। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है ना बाबू, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, फूल है फल है और पत्ते हैं और इसका आपको डायग्राम बनाना क्या होगा, तो ये देखिए फूल फल और पत्ता, तो सारा का सारा तो पेड़ में ही होता है, फूल अलग है फल अलग है पत्ता अलग है, अब यहाँ पर ये सारे के सारे पेड़ में तो होते हैं, पेड़ में फल होता है, पेड़ में पत्ता होता है, पेड़ में फूल होता है, या पौधा में कहिए या पेड़ में कहिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन होते तो सब है, लेकिन फूल और फल और पत्ता वह तीनों के तीनों पेड़ या पौधा का क्या अलग अलग हिस्सा है ना, पत्ता को फल और फूल से कोई मतलब नहीं है, या फल को फूल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, तो सीधा सीधा कि तीनों का तीनों डायग्राम फूल अलग डायग्राम बनेगा, फूल अलग डायग्राम बनेगा, फल अलग डायग्राम बनेगा और पत्ता अलग डायग्राम बनेगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी, फूल फल और पत्ता तीनों अलग अलग डायग्राम इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिख रहा है देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 7 नंबर में, एल है और 116 है, 116 क्या होता है, ये होता बाबू 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ये होता बाबू 14 का स्क्वायर और ये होता बाबू 16 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 15 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 225 होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होना चाहिए 225 होना चाहिए और ये क्या 16 का स्क्वायर है। अब आप देखिए एल माइनस दो करिए जे, जे माइनस दो करेंगे तो एच और एच माइनस दो करिए तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एच 225, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके पास लिख रहा है इसमें क्या चीज ध्यान से देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर जो है आकृति जो दिया हुआ है इसमें कुल मिलाकर के त्रिभुजों की संख्या कितनी है यह आपको बताना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं इसमें कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बाबू आपके लिए बना करके दिखाते हैं,
एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज तो यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अभी तक में कुल मिला के कितना, आठ त्रिभुज हो चुका है। इस आठ त्रिभुज होने के बाद अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे ही खींचे यहां से यहां, ये देखिए आठ के बाद ये नौ और ये दस, दस के बाद जैसे यहां से यहां खींचे तो ये देखिए यहां से ऐसे करके ग्यारह और ऐसे करके ये वाला बारह, ठीक है। फिर यहां जैसे ही खींचे ये हो गया तेरह, ये हो गया चौदह, और देखिए यहां से ऐसे करके ये वाला पंद्रह, और यहां से फिर ऐसे करके ये वाला सोलह, यानी कि अभी तक में इसमें कुल मिलाकर के कितने, तो 16 हो चुके हैं। इसके बाद इसके अलावा 16 के अलावा देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए यहां से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, 16 के बाद ये 17 और ये हो गया बाबू आपको 18, यानी कि कुल मिलाकर के यहां तक में, इतना तक में कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है, 18 ट्रायंगल। इसके बाद क्या हो रहा है, 18 के बाद देखिए अब क्या हो रहा है, ये लाइन जैसा ही हमने खींचा 18 के बाद, ये 19, ये यहां से यहां बाबू 20, ये यहां से यहां बाबू 21, कितना हो गया 21 हो गया। आप देखिए इसमें जैसे ही हमने ये यहां से यहां लाइन खींचा ये वाला, इधर बाबू 21, इस सेम फिगर इधर भी 21, 21 और 21 कितना 42, 21 और 21 कितना 42। अब इस 42 के अलावा देखिए एक ट्रायंगल जो इस प्रकार से यहाँ पर लाते हैं, इस प्रकार से जुड़ता है उसका बनता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ और दूसरा बाबू यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 21 21, 42 + 2 कितना 44, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 44, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा चार नंबर, यानी कि 44 ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ चुका है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है इसमें निम्नलिखित चित्र, निम्नलिखित चित्र हेतु दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यानी कि यहां पर जो चित्र दिया है इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना, लीजिए दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने, और ऐसा मिलाइए किसमें है, ऐसा ऑप्शन ए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको आकृति ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर, लिख रहा है क्या इसमें, कढ़ाई तो सुंदर, कढ़ाई तो क्या सुंदर, देखिए कढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें आप खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाने वाला कढ़ाई का बात नहीं हो रहा, कढ़ाई और सुंदर का क्या सेंस है, कढ़ाई जो हाथ से जो कपड़ा पर जो फिगर फूल पत्ती पक्षी ये वो जो बनाया जाता है, डिजाइन जो बनाया जाता है उसको कहते हैं कढ़ाई करना, ठीक है। तो कढ़ाई क्या होता है, हाथ से बनाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता हुआ देखने, तो कढ़ाई क्या होता है बाबू, तो सुंदर होता है, कढ़ाई का गुण ही है वो सुंदर होना, ठीक है, कढ़ाई सुंदर होता है। तो उसी प्रकार से चंद्रमा का रोशनी क्या होता है, चंद्रमा का रोशनी बाबू ठंडा होता है, चंद्रमा की रोशनी का गुण क्या है, ठंडापन, ठीक है, चंद्रमा का रोशनी क्या होता है, ठंडा होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर, यानी कि ठंडा, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर सवाल, इसमें क्या लिख रहा है देखिए ध्यान से, लिख रहा है इसमें उस आकृति को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करती है, तब आप देख लीजिए ये दोनों आकृति एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, अपोजिट, तो यहां पर भी क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, अपोजिट लीजिए, कर दिया हमने, हो गया अपोजिट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन आकृति एक नंबर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन आकृति एक नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन हमारे पास है 12, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है ध्यान से, चलिए जल्दी जल्दी इसको बताइए क्या है इसमें, देखिए बाबू 3 है और 6, 3 है और 6 है, तो 3 × 2 कर दिया हो गया 6, 6 × 2 कर दिया हो गया 12, 12 × 2 कर देंगे 24, 24 × 2 कर देंगे 48, 48 × 2 कर देंगे कितना, तो 9696 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, 9696 ऑप्शन हो जाएगा बाबू कितना, 3 नंबर ऑप्शन सी, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए, इसमें क्या क्या लिख रहा है। बहुत ही अच्छा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, 13 नंबर क्वेश्चन बनाइए, इसमें देखिए बाबू क्या क्या लिख रहा है। इसमें बाबू आपको मीनिंग आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, आपको मीनिंग आएगा तो आप बना लेंगे, मीनिंग नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं बनने वाला है। मीनिंग पर ये बेस्ड है, मीनिंग पर बाबू बेस्ड है, मीनिंग आएगा तो आपसे बनेगा, मीनिंग नहीं आएगा तो आपसे ये सवाल बनने वाला नहीं है। इसका अर्थ होता है TURBID, ये हो गया बाबू परेशान, परेशान हो जाता है इसका अर्थ, ठीक है। और क्लियर मतलब होता है बाबू साफ स्पष्ट, तो परेशान मतलब कि उलझा हुआ, परेशान का मतलब क्या उलझा हुआ, स्पष्ट क्लियर यानी कि क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट शब्द हो गया, परेशान उलझा हुआ और साफ क्लियर यानी एक दूसरे का क्या अपोजिट शब्द हो गया। उसी प्रकार से अपरेंट मतलब होता स्पष्ट, अपरेंट मतलब क्या होता अस्पष्ट होता है, अब अस्पष्ट का अपोजिट क्या होगा और अस्पष्ट होगा। अब सीओ ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर अस्पष्ट। अस्पष्ट ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अस्पष्ट का अपोजिट वर्ड क्या अस्पष्ट, यानी कि हमारे प्रश्न में यहाँ पर जो साइनो एंट्रो दिया गया है, ठीक है, एंटोनिम्स दिया गया है। तो चलिए और सबका भी हम इसका भी अर्थ लिख देते हैं, मीनिंग लिख देते हैं, हिंदी में क्या होता है बाहर, ठीक है, बाहर होता है। सेंसेबल का इसका हो जाता है बाबू समझदार, समझदार हो जाता है। और ये क्रेडिबल है, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है, क्रेडिबल का अर्थ होता है बाबू विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। इसका मीनिंग सब लिख लीजिएगा आप लोग, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बाबू 14, 14 नंबर सवाल, क्या लिख रहा है, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखिए लिख रहा है बाबू इसमें सभी सुई पिन है, सभी सुई पिन है, सभी पिन पत्र है, सभी पिन क्या है तो बउआ यह सभी पिन जो है यह पत्र के अंदर है। तो नंबर एक है सभी सुई पत्र है, सारा का सारा सुई क्या पत्र के अंदर है कि नहीं है बताइए, है, तो ये हो गया बिल्कुल ही सही। दूसरा है कुछ पीन सुई है, कुछ पीन जो है वो बाबू सुई है कि नहीं है देख लीजिए, है, यह भी बिल्कुल ही क्या है सही है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष इसका क्या है सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, 15 नंबर सवाल देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सभी सोने के आभूषण है, सभी सोने आभूषण, चलिए सोना आभूषण, सभी सोने आभूषण, सभी आभूषण चमकते हैं, सारे के सारे जो आभूषण है वो क्या होते हैं चमकते हैं, चमकता है। अब देखिए नंबर एक सारा सोना चमकता है, तो जब सभी सोने आभूषण है, सारा का सारा सोना आभूषण के अंदर, सभी आभूषण चमकते हैं, सारे के सारे आभूषण चमकते हैं, तो यहाँ जो लिख रहा है सारा सोना चमकता है सही कि गलत, बिल्कुल ही सही, पहला निष्कर्ष हो जाएगा बाबू बिल्कुल ही क्या सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा क्या है सभी चमकने वाली वस्तु सोना है, क्या सारा का सारा जो चमकने वाला है, इधर वाला चमकने में तो देखिये तो सोना तो इधर है नहीं, सोना तो यहाँ पर है, इसीलिए यह जो लिखा कि सभी चमकने वाली वस्तु सोना है तो यह बिल्कुल ही क्या है बाबू गलत है, पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत, ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर, इसमें क्या लिख रहा है, कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ टेबल लकड़ी है, लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी क्या है तो भूरा है, बहुत बढ़िया।
नंबर एक, कुछ भूरे टेबलेट, कुछ भूरा जो बाबू टेबलेट है, देखिए तो भूरा यहाँ टेबलेट, टेबल यहाँ, कुछ भूरा टेबल है, सही की गलत? बिल्कुल ही गलत, दोनों में कुछ कुछ भी मैचिंग नहीं है। कुछ लकड़ी टेबल है, कुछ लकड़ी जो है टेबल है, ये देखिए कुछ लकड़ी टेबल है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये सही हो रहा है। तो पहला वाला निष्कर्ष है गलत बउआ, और दूसरा वाला निष्कर्ष है बाबू सही। आंसर इसका हो जाएगा पहला गलत दूसरा सही, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। सभी तोते ऊंट हैं, सभी ऊंट भेड़िए हैं, सभी का सभी ऊंट जो है वो क्या है? भेड़िया है, भेड़िया है। तो नंबर एक, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, कुछ तोता ऐसा है जो कि भेड़िया नहीं, कुछ तोते भेड़िए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे सारा का सारा तोता जब भेड़िया के अंदर, सारा का सारा तोता जब आप भेड़िया के अंदर, तो कुछ ऐसा तोता होगा कभी भी जो भेड़िया के अंदर नहीं होगा। जब सारा का सारा तोता भेड़िया के अंदर है तो कुछ तोते भेड़िए नहीं है, बात बिल्कुल ही क्या गलत होगा। दूसरा, कुछ भेड़िए तोते हैं और कुछ भेड़िया, देख लीजिए तोता के अंदर है कि नहीं है, कुछ भेड़िया और तोता मैच किया हुआ है, इसीलिए यह बात हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल ही सही, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18-19 में आइए, क्या लिख रहा है इसमें? 18 में देखिए लिख रहा है, उपरोक्त वेन डायग्राम एक कक्षा में तीन खेल MNL खेलने वाले को दर्शाता है। यहाँ पर जो तीन जो खेल है MN और L, उसी को बाबू क्या कर रहा है? वो दर्शा रहा है। अब उसमें देखिए क्या क्या दर्शा रहा है उसका। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब यहाँ पर जो छात्र है इसका कुल संख्या कितना है ये आपको बताना है। तो ये देखिए MN और L दिया होगा आप सबको, जो 11 और 8 19, 11 और 8 कितना? 19, 19 और 14 कितना? तो 19 और 41 कितना? 19 और 41 60, 60 और 9 और 6 15, 60 और 15 कितना? 75, 75 और 25 कितना? तो 75 और 25 18 7 25 होता है ना, 75 और 25 हो जाएगा कितना? तो 100, 100। तो यहाँ पर लिख रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना, तो 100 है। ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, तीन नंबर, यानी कि टोटल 100, 100, 100, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एवं एल खेल खेलने वाले, एन और एल खेल खेलने वाला, ये देखिए एन खेल खेलता है ये वाला पार्ट और एल खेल खेलता है ये वाला पार्ट, एन और एल खेल खेलने वाले, परंतु एम खेल नहीं खेलने वाले, यानी एम से उसको कोई लेना देना नहीं, इधर वाले से उसको कोई लेना देना नहीं, ये सर्कल नहीं चाहिए, ये वाला सर्कल उसको नहीं चाहिए, सिर्फ इधर वाला ही चाहिए, ठीक है? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना दिए देखिए, कुल संख्या कितना है? 9। यहाँ पर कितना दिया? 9। M N और L जो खेलता है, N और L खेलने वाले, क्या लिख रहा है? लिख रहा है N और L खेल खेलने वाले, N और L दोनों खेल खेलने वाला कितना है? 9 है। 41 है जो सिर्फ और सिर्फ N खेलता है, केवल N वाला है ये। 18 है जो केवल L वाला है, तो N और L ना बोल रहा है, N एवं L बोल रहा है ना, यानी कि N भी चाहिए और L भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों वाला कितना है? तो 9 है। आंसर हो जाएगा इसका 9। ऑप्शन हो जाएगा इसका बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20-20। लिख रहा है इसमें पंचभुजों की संख्या कितने, हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जो है 8 आंसर लगाए, 8 EIGST 8 आंसर लगाएंगे, ऑप्शन 3 दो नंबर। लेकिन बाबू इसका 8 आंसर नहीं है, इसका 8 आंसर है ही नहीं, इसका आंसर तो कुछ और है। देखिए क्या है आंसर इसका। सबसे पहला पंचभुज का डिजाइन बना ले, पंचभुज होता कैसे, 1 2 3 4 5, एक हो गया ये, तीन भुजाएं यहां पर, चार और ये पांच, ठीक है? अब हम देखते हैं इसमें पंचभुज मिल रहा है कि नहीं, हम ये नहीं कहते हैं और इसके अलावा नहीं होता है, होता है, हमको यहाँ पर इसी से जोड़ना है, पांच को रेखा खींच देना है, जो पंचभुज हो गया कहानी खत्म है। चलिए इसमें देखते हैं,
सबसे पहले तो एक लाइन, दो रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, पांचवा रेखा, एक तो यहां से हो गया। तो वन टू थ्री फोर, चार हो गया इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि यहां से वन, यहां से टू, यहां से थ्री, यहां से फोर, चार, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब फिर से नया वाला, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा डिजाइन, ये वाला डिजाइन हम दिखा रहे हैं, ये वाला डिजाइन। ये कितने हैं, इधर से वन, इधर से टू, इधर से थ्री, इधर से फोर, यानी कि कुल मिलाकर के कितना, तो 12, यानी कि 12 जो है बाबू इसमें पंचभुज है। पंचभुज का संख्या कितना है इसमें, 12 है, 12 है, टोटल का टोटल बाबू 12 पंचभुज है इसमें। क्लियर, समझ में आ रहा है या दिक्कत चल रहा है, कोई डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे तो बोल सकते आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट का 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 30 नंबर 9 क्वेश्चन है आज स्टेटमेंट का। देखिए इसमें क्या क्या लिख रहा है। हम आप लोगों को हर बार कहते हैं कि बाबू 7 क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा स्टेटमेंट चैप्टर से, लेकिन आज 7 नहीं, आज अधिक है, आज 9 है टोटल। आज टोटल कितने हैं, तो बाबू 9 है स्टेटमेंट से। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होना। लिख रहा है अनिता ने गाढ़े सूप की ओर संकेत करते हुए कहा, गाढ़ा सूप, सूप क्या है, गाढ़ा, ठीक है, करते हुए कहा कि कृपया, माँ से कहा कृपया पंखा चलाई, वह सूप बहुत गर्म। बोला अपनी माँ को, बोला कौन, अपनी माँ को कौन बोली, अनिता बोली, अनिता अपनी माँ को बोली है कि मम्मी कृपया, माँ कृपया करके पंखा चला दीजिए, क्योंकि सूप जो है वह बहुत ही गर्म है। ठीक है, तो नंबर एक, चलता हुआ पंखा गर्म वस्तुओं को ठंडा करता है। जो पंखा जब चलता है तो वह गर्म वस्तु जो होता है उसको ठंडा कर देता है। बात ये सही बोला कि गलत बोला, बिल्कुल ही सही बात बोला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती है। अगर अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती तो वह कभी भी अपनी माँ से कहती कि पंखा चला दीजिए, सूप बहुत ही गर्म है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही गलत है कि अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती है। अगर गर्म सूप पीना पसंद करती हो तो पंखा चलाने के लिए वह नहीं बोलती। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिख रहा है 22 नंबर में, मासिक आधार पर नगर पालिका द्वारा पानी की मीटर लगाकर शुल्क लिया जाना चाहिए। मासिक आधार पर यानी कि महीने के बेस पर, महीने के बेस पर जो महीने 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 यानी कि मंथली आपको क्या करना है, पानी का बिल आएगा और आपको पानी का बिल अपना देना है, चुकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख रहा है कि मासिक आधार पर नगर पालिका द्वारा पानी की मीटर लगाकर शुल्क लिया जाना चाहिए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप बोलेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप बोलेंगे। तो नंबर एक तर्क दिया गया, हाँ कहा गया, हाँ लोग इससे पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। जी हाँ, जब आप कोई चीज फ्री में देते हैं तो उसका जिम्मेदारी चीज उसमें नहीं होता, जिम्मेदारी उसमें नहीं होता। वही चीज जब आप उसके लिए कुछ पे करते हैं, आप उसके लिए कुछ पैसे लेते हैं या देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी वाला एक बात आता है। तो यहाँ जो लिख रहा है हाँ लोग इससे पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, यह बिल्कुल ही क्या है, सही बात, यह बिल्कुल ही सही बात है। दूसरा, नहीं यह अनैतिक है, चूंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन, इसलिए यह निःशुल्क होना चाहिए। पानी निःशुल्क ही है, नदी में जाइए, समुद्र में जाइए, झरना से पानी का पीने का, वहां पर आप पानी ले जाइए ना, कोई आपसे कुछ नहीं कहता है। ठीक है, अब जाइए नदी में, पानी पूरा खुला हुआ है। जब आपको यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा आपके घर तक, उसमें बाबू मोटर चलाना पड़ता बराबर, उसमें बिजली खपत होता है, ईंधन खर्च होता है उसमें, और आप उस प्रकार के पानी को जो यहाँ पर वेस्ट कर दीजिएगा, एकदम खराब कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, बारा नल चलने दीजिए, क्या दिक्कत है,
अपना पानी बह रहा तो बहने जो कोनो पैसा लगता है क्या हमारा पानी पीने में? वही अगर आपको रहेगा इतना लीटर तक फ्री, इसके बाद वाला लीटर में लगेगा पैसा, उसके बाद देखिए आदमी कैसे बचा बचा के करो, बचा बचा के पानी का यूज करो, थोड़ा सा सिस्टम में रखो, बस काम वही हो जाएगा। तो नहीं, यह अनैतिक है, चूंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन इसलिए यह निःशुल्क होना चाहिए, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के लिए जो शुल्क लगाया जा रहा है वह शुल्क उसको समझदारी सिखाने के लिए कहिए, या उसको मिसयूज नहीं करे इसके लिए कहिए, इसलिए शुल्क लगाया जा रहा है। ये तो पानी तो फ्री है ही, जाइए नदी में पीजिए पानी, वहां पर झरना से निकाल के पीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, समुद्र इतना बड़ा है वहां से पानी तो आप पी तो सकते नहीं, स्नान तो कर ही सकते हैं, जाइए वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, वहां कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए बाबू पहला वाला सही और दूसरा वाला क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर लिख रहा है क्या, बी के सापेक्ष ए किस दिशा में, यानी कि बी से ए जो है वह किस दिशा में है यह आपको बताना, बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। तो नंबर एक में लिख रहा है सी बी के पूरक, सी बी के पूरक, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सी बी के पूरब में है, सी सी के दक्षिण में, डी जो है वो कहाँ है, सी के दक्षिण में है, ए डी के पश्चिम में, ए जो है वह डी के पश्चिम में, ए जो है डी के पश्चिम में। अब यहाँ पर बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो यहां से ऐसा भी डिस्टेंस बन सकता, ऐसा भी बन जाएगा, और यदि ए को हम यहाँ रख देंगे तो ऐसा भी बन जाएगा, और यदि हम ए को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि सब में देखिए सब डी से ही जुड़ा हुआ है, सब डी से ही जुड़ा, अगर यहाँ देते तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, पहला वाले से बाबू पता तो नहीं चल रहा है, पहला वाला चीज पता नहीं चल रहा है कि बी के सापेक्ष ए किस दिशा में, क्योंकि ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, तीनों तीन जगह पे हो सकता है, क्योंकि दूरी लिमिट कुछ ऐसा कुछ तो बताया है नहीं। अगर मान लीजिए सबका दूरी हम समान रखते हैं, सबका दूरी यदि हम समान रखते हैं तब आंसर आ जाता है, सबका दूरी समान रखते हैं तो आ जाता है, और चूंकि हमारे प्रश्न में दूरी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं किया है, ये एक किलोमीटर है कि दो किलोमीटर है कि क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दूरी का चर्चा नहीं किया है, इसीलिए हम बाबू इसको जो है सबको एक समान दूरी में ही रख, सबको हम क्या कर रहे हैं एक समान दूरी में रख दे रहे हैं, अगर सबको एक समान दूरी में रख देते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तब हो जाएगा, क्या चीज, ऑप्शन एक नंबर सही है, तब हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन एक नंबर क्या है, बिल्कुल ही सही। अगर वही अलग अलग दूरी रहता है तो फिर उसमें क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर, क्योंकि हमारे प्रश्न में दूरी का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए हम सबको एक समान दूरी मान करके पहला नंबर को सही किए हैं। दूसरा क्या है, सी ए के उत्तर में और बी सी के दक्षिण में, सी ए के उत्तर में, सी जो है यहां लिख देते हैं सी ए के उत्तर में, देखिए ए को उत्तर में और बी सी के दक्षिण में, और बी जो है सी के दक्षिण में, तो बी यहां पर है कि बी यहां पर है, बी कहाँ पर है वो यहाँ पता नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें हम समान दूरी लेते भी हैं कि सर अगर उसमें समान दूरी ले सकते हैं तो इसमें भी समान दूरी ले सकते हैं, अगर इसमें समान दूरी लेते हैं तो ए और बी तब तो एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर समान दूरी नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए पहला वाला सही दूसरा वाला क्या गलत, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ एक नंबर जानकारी क्या है आवश्यक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, 24 नंबर सवाल, विद्यालयों में KG 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए गए जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए क्या बोला,
कि केजी वन विद्यालय में केजी वन के प्रवेश में आवेदन की संख्या तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ गया। क्या चीज? आवेदन। आवेदन क्या हो गया? बहुत ही तेजी से बढ़ गया। अब क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए, और जब आप वहां पर एडमिशन फॉर्म बेचे स्कूल का, चलिए हम स्कूल चला रहे हैं, एडमिशन के लिए बोलेगा एडमिशन शुरू हो गया केजी वन का, आप एडमिशन फॉर्म बहुत ज्यादा बिका, तो बहुत ज्यादा बिका यानी कि आवेदन भी बहुत अधिक आएगा, तो बहुत अधिक जब आवेदन आया उसमें बहुत सारे आवेदन क्या किए? अस्वीकार कर दिए गए, यानी कि ये विद्यार्थी जो है, ये बच्चा जो है, यह जो है हमारे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, इस प्रकार का बात हो गया, आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिससे अभिभावक में क्रोध उत्पन्न हो गया, और इससे अभिभावक को क्या हो गया? क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया, भैया ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो कार्यवाही इसमें क्या है? देखिए, नंबर एक है कि चयन के मानदंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हाँ, आप किस बेस पर चयन कर रहे हैं विद्यार्थियों का, आप अगर वह चीज स्पष्ट कर देंगे तो किसी भी गार्जियन को कहीं पर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए टेंथ है, तो टेंथ के में पास करने के बाद ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए, इलेवेंथ ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए क्या होता है? बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हाई स्कूल जो है अपना अपना क्राइटेरिया अपनाए हुए रहता है कि हमको जो है इतना परसेंट पहले ही विद्यार्थी हमारे यहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर 70% से प्लस विद्यार्थी जो होंगे वही विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, 70 से कम वाले फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं, एडमिशन हम लेंगे ही नहीं। अगर हो गया, अगर इस प्रकार का क्राइटेरिया वहां पर भी कुछ, अब ये हम नहीं कह रहे कि केजी का बच्चा है वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, मेरा ये कहना नहीं, लेकिन क्राइटेरिया तो हो सकता है ना उसमें भी कि हाँ भैया ये क्राइटेरिया है हमारे यहाँ, ये नियम है, ये सब मानदंड है, अगर आप इसमें फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भरिए, आपका एडमिशन जरूर हो। यहाँ पर वही कि चयन के मानदंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, अगर यह उल्लेख हो जाए तो फिर विद्यार्थी के पिता को यानी कि अभिभावक को जो है, माता को जो, अभिभावक को जो है गुस्सा नहीं आएगा, वह किसी भी प्रकार का मानसिक परेशानी से नहीं गुजरेगा, और यह बिल्कुल ही क्या है, सही। दूसरा, विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू किया जाना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला चीज है यहाँ पर क्या कि नई शाखा खोलना चाहिए या नहीं, और दूसरा क्या बात है कि नई शाखा खोलना चाहिए या नहीं, और दूसरा क्या बात है कि दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक अधिक बच्चा आ रहा है, जब आप देख रहे हैं कि अधिक संख्या में विद्यार्थी आपके आ रहे हैं, अधिक एडमिशन होने का चांसेस है, तो सीधे सीधे बात है बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि दो शिफ्ट में स्कूल चलाते हैं, बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो अपना ब्रांच खोलता है, बहुत सारा कोचिंग है, संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है जो अपना ब्रांच भी खोलता है। हाँ भैया यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाए, आप जानते हो BHU का नाम तो सुने ही होंगे, BHU का भी एक ब्रांच है, बनारस के अलावा भी एक जगह और कहीं है, यूपी में ही है, कुछ दूरी पर है, ठीक है, वहां पर भी है उसका ब्रांच। तो जो विद्यार्थी का बनारस में एडमिशन नहीं हो पाया वो वहां जाता है, उस BHU में एडमिशन लेता है। थोड़े ऐसा है कि नहीं वो वाला BHU का सर्टिफिकेट अलग होगा, इसका सर्टिफिकेट अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सिचुएशन यही है कि वहां पर यहाँ पर ब्रांच खोलते हैं, तो ब्रांच खोलते हैं जो हमारे यहाँ विद्यार्थी ज्यादा आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला भी बढ़ेगा, हम सीमित जगह रखेंगे तो उसमें तो होने वाला नहीं है ना, फिर बैठेगा कहाँ पर? ऑनलाइन वाला तो सिस्टम का बात तो किया नहीं कि ऑनलाइन में मोबाइल चला लीजिए अपना देखते रहिए, चाहे हजारों विद्यार्थी देखे कि 10 विद्यार्थी देखे अपना देख सकता है सब, ऐसा तो सिचुएशन का बात किया नहीं। यहाँ तो विद्यालय जाने आने का बात हो रहा है, विद्यालय जाना आना जब है तो बउआ वहां पर तो बाबू आपको या तो आप एडमिशन नहीं लीजिए, और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसको आपके यहाँ अगर स्कूल में जगह नहीं, स्थान नहीं है तो 2 में चलाइए, और यदि 2 में भी चला रहे फिर भी अगर नहीं है, जगह नहीं हो रहा, इसके बावजूद आप नया नया फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, आप नया नया इसका क्या बोलते हैं शाखा खोल सकते हैं, और यह बात भी बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका जो कार्यवाही क्या बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। भारत के अधिकांश अस्पताल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता,
अधिकांश मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम अधिक ज्यादा से ज्यादा जो अस्पताल है वह क्या चीज पालन नहीं करता है, सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक का पालन नहीं करता है। एक तो दो तो हॉस्पिटल का बात हम नहीं कर रहे, एक तो दो तो अस्पताल का बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे अधिकांश अस्पताल। अधिकांश अस्पताल में यही सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का जो मानक है हाँ ये चीज होना ही चाहिए, ये सारा का सारा चीज वहां नहीं है, उसको वो पालन नहीं करता है। क्यों पालन नहीं करता, उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो नंबर एक में दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है। देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है। मुश्किल अगर होता तो बाबू आप लिखते ना कि सभी, तब आप लिखते ना भारत के सभी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक का पालन नहीं करती है, तब आप सभी ना लिखते, ऑल ना लिखते, टोटल का टोटल के बारे में ना लिख देते, अधिकांश आप थोड़े लिखते। अधिकांश का मतलब ही होता कुछ, 90% मानक, 90% अस्पताल मानक को फुलफिल नहीं कर रहा है, 95% फुलफिल नहीं कर रहा, 5% 10% तो कर रहा है, जितना कर रहा है जब वो कर रहा था आप भी कर सकते हैं। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या बोला, गलत बोला, ठीक है। दूसरा, भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है। जी हाँ, सुरक्षा जो है गंभीर चिंता का विषय नहीं है। किसके हिसाब से? अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से गंभीर चिंता का विषय नहीं है। क्या चीज? तो सुरक्षा। तो सुरक्षा अगर उसको रहता कि सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है, तब तो बाबू वह उसको मानदंड को पूरा करता ना। उसको लगता है कि नहीं है ये सब ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ये सब कुछ ले ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, गंभीर चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए ना अधिकांश अस्पताल उसको फुलफिल नहीं करता है, यही सोच ना मैनेजमेंट के दिमाग में बैठा हुआ है। अगर उसको लगता नहीं सुरक्षा भी करना चाहिए तो वो जरूर व्यवस्था लगाता, फिर वह तो सुरक्षा पर उतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा। इसीलिए यहाँ लिख रहा है अधिकांश अस्पताल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक का पालन नहीं करता है। तो यह क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको लगता है नहीं कि यह गंभीर चिंता का विषय है, उसको यह बात लगता ही नहीं, उसको लगता है ये तो इजी बात है, यह कोई टेंशन वाला बात नहीं है, उसको ऐसा लगता है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। कुछ विद्यार्थियों का सोचना होगा कि नहीं सर ये बात तो गलत होना चाहिए। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं गलत होना चाहिए, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न में भी तो वही बात बोल रहा है। प्रश्न में कौन कह रहा है कि सही कीजिए उसको? प्रश्न में लिख रहा है अधिकांश अस्पताल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक का पालन नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है आप वो बताइए। उसको चिंता है ही नहीं, इसीलिए ना नहीं करता है। अगर उसको चिंता होता तो वह जरूर करता। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे। तो थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। हो जाइए साहब, अब आ जाइए जल्दी से। चलिए 26 नंबर है, क्या लिख रहा है 26 में देखिए अच्छे से। लिख रहा है इसमें बाबू, पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया, यानी कि परिवार के सभी सदस्य के लिए, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाना है तो इस तेल का आप प्रयोग कीजिए, ऐसा कह करके यह प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो नंबर एक, बाजार में खाना पकाने का अन्य तेल भी उपलब्ध है। जी हाँ, अन्य तेल उपलब्ध है, तभी तो यह लिख रहा है स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाना चाहते हैं तो हमारा तेल का आप प्रयोग कीजिए।
अगर उसको लगता कि नहीं अन्य कोई तेल नहीं है तो इस प्रकार का प्रचार नहीं करता, वो कुछ और सोचता हुआ कुछ और बोलता। इसीलिए बाबू यह बिल्कुल ही क्या है, सही है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति रहे उसके लिए स्वास्थ्य जो वो क्या होता, प्राथमिक होता है। और हम ऐसा तेल बेच रहे हैं और तेल में ऐसा बात कह ही दे रहे हैं कि सब जो है एकदम के ओहो नहीं नहीं परिवार का सुरक्षा तो ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए चलो यही वाला तेल खाते हैं, इसी वाला तेल का प्रयोग करते खाना पकाने के लिए। ठीक है, इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों अवधारणा इसका बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2727 में क्या लिख रहा है देखिए ध्यान। जेड की कितनी पुत्रियां हैं, जेड को कितनी बेटी है, हमको यह बात बाद में बताओ। जेड को बेटी कितना है, एक्स और वाई यू की पुत्री है। एक्स और वाई जो है वो कौन है, यू की बेटी है, यू की बेटी है। एक्स और वाई जो यू की बेटी है, तो चलिए ठीक है। तो जेड को क्या मिला इससे, जेड को तो कुछ नहीं मिला। अब लिख रहा है वी एक्स का भाई, वी जो है वह कौन है, एक्स का भाई है, बहुत बढ़िया, और भाई है जेड का पुत्र, और भी जो है वह बेटा है किसका, तो जेड का भी बेटा है किसका, जेड का। अब बताइए एक्स वाई और भी सब भाई बहन, एक्स वाई और भी सब भाई बहन, और ये जेड इसका भी जो है जेड का बेटा है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों पति पत्नी हुआ कि नहीं हुआ, कौन पति है कौन पत्नी, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको जो पूछ रहा है कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं, तो जेड की दो पुत्री है, एक तो एक्स और एक तो वाई। जेड की दो पुत्रियां हैं, एक एक्स और एक वाई है, इससे हमको पता चल जा रहा है, यानी कि जानकारी एक और जानकारी दो दोनों एक साथ, जानकारी एक जानकारी दो दोनों एक साथ मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर जो पहला और दूसरा दोनों से। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 212828 क्या लिख रहा है, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आप पूछ। तो नंबर एक, हाँ सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। अब देखिए सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए, ये बात तो बाबू सही है कि अब आप जो है सरकार जो है अगर शराब शराब में अगर परिवार सॉरी शराब में यदि नागरिक लिप्त रहेगा, यदि बिहार का नागरिक जो है शराब भी पीने में लगा हुआ, अपना कुछ काम धंधा नहीं कर रहा, खाली शराब पीने में लगा या कुछ भी ऐसा, तो क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी तो शराब ज्यादा ज्यादा आदमी शराब पी रहा होगा, तभी तो प्रतिबंध का बात हो रहा है। तो नंबर एक, हाँ सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। जब यहाँ पर नशा मुक्त रहेगा समाज, नशा मुक्त समाज रहेगा तो सीधा सीधा बात है वो अच्छे कार्य और करेंगे, जब अच्छे कार्य करेंगे तो इससे गांव का नाम शहर का नाम राज्य का नाम देश का नाम होगा और क्या होगा। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है बाबू, सत्य है कि हाँ सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा पहला वाला सही है। दूसरा क्या, नहीं बोला शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो बोला नहीं, क्यों भाई, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी, 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। देखिए राजस्व की हानि होगी यह बात हम मान रहे हैं, लेकिन यह जो लिखा है कि और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है, यह बात बाबू बिल्कुल ही गलत है। इतना बात जान लीजिए, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप जो प्रैक्टिकल ही नहीं करते, प्रैक्टिकल में क्या होता है, निजी जिंदगी में आपका क्या होता है नहीं होता, उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर बाबू जब सरकार सोच ले, जब गवर्नमेंट सोच ले, जब प्रशासन भी सोच ले कि नहीं हमको जो है पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा देना 100%, यहाँ का नागरिक भी सोच ले कि 100% प्रतिबंध लगा देना, तो क्या हुआ 100% प्रतिबंध नहीं लगेगा, आराम से लग जाएगा। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है कि 100% प्रतिबंध तो लग जाएगा, ये बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि नहीं, नहीं वाला बात को वो सही दर्शा रहा है, पहले आप बोल रहे हम यह काम नहीं करेंगे, उसके बाद उसको सही ठहरा रहे हैं, यह बात बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा।
इसीलिए बाबू पहला निष्कर्ष हुआ सही, दूसरा निष्कर्ष, दूसरा तर्क हुआ गलत। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे, कुछ प्रसिद्ध क्या चीज पर्यटक स्थल के भिखारियों से भरे हुए होते, और उसका जो फुटपाथ होता है वह भिखारियों से क्या होता, भरा हुआ होता है। ठीक है, प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल होता है उसका फुटपाथ क्या होता है, भिखारी से भरा होता है, ऐसा ही बोलना है। तो नंबर एक, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। जी हाँ, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहां पर यदि भिखारी जमावर लगा हुआ है तो वहां से जो है पुलिस की मदद से जो बाबू भिखारी को हटा देना चाहिए, भिखारी को भगा देना चाहिए। यह सही कार्रवाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यह बिल्कुल ही सही कार्रवाई है। दूसरा, सरकार को भिखारी को पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। हाँ, यह भी बिल्कुल सही कार्रवाई है। दोनों का दोनों कार्रवाई बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। चलिए आगे बढ़िए, 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है 30 साल के अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 30 साल से अधिक आयु के जो है, 30 साल के अधिकतम आयु वाले, 30 साल अधिकतम आयु यानी कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 हो गया एकदम लाइन देखा, ठीक है, LOC, यहां से आगे नहीं जाना। ठीक है, तो 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो नंबर एक, 30 साल से ज्यादा आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। जब वो लिख रहा है कि 30 साल से अधिकतम वाला को नहीं आवेदन करना है तो कैसे कर देगा, बिल्कुल सही बात। कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, और यहाँ पर जो वह लिख रहा है आयु के बारे में तो स्पष्ट रूप से बता रहा है, कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, इसका सही हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।